उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन की तारीफ करने का बेबुनियाद आरोप लगाया है, जबकि ऐसा कहीं नहीं कहा गया। यह सब कांग्रेस को झूठ का प्रचार करते हुए कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की बालाजी ज्वेलर्स लूट में बदमाश मेहमान की तरह आए और लूटपाट करके निकल गए। अब यदि एक हफ्ते के भीतर इस लूट के आरोपी नहीं पकड़े गए तो मामले को लेकर दून में आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में फिर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार में एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव सक्रिय रहेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 100 दिन केंद्र सरकार के हैं, वो पूर्ण विफलता के हैं, नीति के भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम दो कदम, एक कदम आगे चल रही है तो दो कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की बांधी है। राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर के भाजपा ने 4 झूठ, नग्न झूठ प्रचारित किए और अपने गोदी मीडिया और दूसरे प्रचार साधनों के माध्यम से एक दुष्प्रचार किया। और हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार राहुल फोबिया से ग्रस्त है और उन्होंने, राहुल जी ने कोई भी बात अमेरिका में ऐसी नहीं कही जिससे भारत के हित पर चोट। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारत के हितों को समान मानने से इनकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, भारत हम सबका है। भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर हम कभी कोई भिन्न मत नहीं रखते हैं, लेकिन और दूसरे समसामयिक विषय पर जो है हमारी राय कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भिन्न है, आलोचनात्मक है। और हम दिल्ली में भी, लंदन में भी, न्यूयॉर्क में भी कोई हमारी राय स्थान और मौसम देख करके नहीं बदलती है, बल्कि हमारी राय यथा।